नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाल ही में अपनी निजी जिंदगी में चल रही उथल पुथल को लेकर के काफी विवादों में रही। अब ये विवाद जब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं तो नवाज अपने प्रोफेशनल लाइफ पर पूरा फोकस कर रही हैं। इसी के चलते वो कुछ फैसले ऐसे ले रहे हैं जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं लिए। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये साफ कर दिया है कि वो अब लीड कैरेक्टर के अलावा कोई फिल्म नहीं करने वाले। जी हाँ, ये कहकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ी बात कह दी है, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिले कई किरदार जो लीड नहीं थे, लेकिन वो ऐसे थे जिन्होंने उनके करियर में मील का पत्थर साबित होने का काम किया है। ऐसे में जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि वो लीड रोल के अलावा कोई रोल नहीं अदा करेंगे तो ये एक बड़ी बात है। इसके साथ ही नवाजुद्दीन ने ये भी कह दिया है कि भले ही वो खुद अपने लिए फिल्म बनाएं, लेकिन वो लीड कैरेक्टर ही प्ले करेंगे। अब ये तो अच्छी बात है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये लग रहा है कि वो करियर के उस मुकाम में है जहाँ पर वो सिर्फ लीड रोल ही करना चाहते हैं। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये भी समझना चाहिए कि वो हमेशा से एक बेहतरीन कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे हैं और उसमें ही उन्होंने महारत हासिल करी है। इसमें उन्हें लोगों का प्यार भी मिला है, उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो हर तरह का किरदार अच्छे से निभा ले जाते हैं। ऐसे में खुद को इस बंदिश में बांधना कि वो सिर्फ लीड कैरेक्टर ही प्ले करेंगे, हो सकता है कि उनके करियर के लिए बहुत अच्छा फैसला ना साबित हो।